चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए गणित को देखेंगे, ठीक है। इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखने के काम करते हैं। देखिए एक प्रश्न क्या पूछा है जवाहर नवोदय वाला 2024 में क्लास छठा के लिए। एक क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। उसी चीज को इंग्लिश में प्रश्न लिख दिया गया है। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज, यानी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर बताना है, उसके बाद टू डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर खोजना है और उन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। सम करना है, उसी को कहते हैं जोड़ देना है। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होता है। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। उसके बाद दूसरा बात आपको जानना जरूरी है, क्या पूछा, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो हम लिखते हैं दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आज जब दोनों पता चल जाएगा तो दोनों को क्या निकाल लेना है, योगफल निकाल लेना है। योगफल क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्या का जब जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो मान आता है, वैल्यू आता है, उसे क्या कहते हैं, योगफल। तो ये दोनों का मान पता चल जाएगा तो जोड़ लेंगे तो योगफल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात चला कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का इस पर कोई चर्चा नहीं किया है, इसमें अभाज्य लग गया है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या, वैसी गिनती की संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसको छोड़कर किसी और से न कटे। जैसे तीन है, दो है, पाँच है, सात है, ये इस प्रकार का संख्या है कि केवल एक से कटता है और अपने आप से कटता है। पाँच है तो पाँचे से कटेगा, एक से कटेगा, किसी और से पूरा पूरा नहीं कटता है ना। प्राकृत संख्या के रूप में उसका वैल्यू ना आता है, दशमलव से दशमलव में भाग जाएगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। हमारा कहने का मतलब यही है। तो देखिए, तो ये कहा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर ये विषम हटा दे, डायरेक्ट कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन होता है, दो होता है, तीन हो, और उसके बाद क्या होता है, तो तीन अभाज्य संख्या, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस इकतीस सैंतीस है ना, इकतालीस तैतालीस सैतालीस तिरपन उनसठ इकसठ सड़सठ इकहत्तर तिहत्तर उनासी तिरासी नवासी संतानवे, ये सब क्या है, डॉट 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 अनंत तक बहुत सारा है। तो हमने अभाज्य संख्या लिख दिया। अब ये प्रश्न करता कि 100 तक में कई गो अभाज्य है, तो देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अच्छा इकतालीस तैंतालीस तैंतालीस दूधा लिखा गया, यहाँ सैंतालीस होगा। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, टोटल 25 अभाज्य संख्या। तो अब बताइए ये क्या कहा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो है, लेकिन दो विषम नहीं है, दो क्या है, सम है। तो दो से तनका बड़ा देखने गए तीन, तो तीन तो अभाज्य तो है ही, इसके साथ साथ क्या है, यह विषम भी है। इससे ऊपर वाला देखिए अभाज्य विषम, यानी दो को हटा दे तो बाकी जितना अभाज्य संख्या सब विषम है।
तो उस सब विषम में सबसे छोटका कौन है? कहा सबसे छोटी विषम आभास संख्या, तो हम दो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? तीन। क्या लिखेंगे बउआ? तीन। यह कहता सबसे छोटी आभास संख्या तब दो होता, लेकिन इसने क्या कह दिया? सबसे छोटी विषम आभास संख्या। तो विषम कहाँ से स्टार्ट होता है? विषम संख्या, यहाँ आभास संख्या में तीन से, तो हमने क्या लिखा? तीन को लिखा। अब बात रही कहता दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या, तो ये सब तो एक एक अंक वाला आभास संख्या है। आ देखिए यहाँ से दो अंकों वाला आभास संख्या स्टार्ट हो गया, तो सौ तक में यह से ना होता है? तो देखिए एकरा से बड़ा ई, एकरा से बड़ा संख्या ई, एकरा से बड़ा संख्या ई, यानी बड़ा होते जाएगा। तो दो अंकों में सबसे बड़का कौन दिखाई दे रहा है? संतान में। तो दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या हम लोग क्या लेने का काम करेंगे? संतान में। नौ पर सात संतान में। अब कहा कि योगफल बताओ दोनों का, दोनों का योगफल। तो चलो योगफल मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ लेना था, चलिए तो जोड़ लीजिए। तो इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, तीन और सात को जोड़ेंगे तो दस, हाथ में एक, हाथ में कितना होगा? एक। और नौ, यहाँ पर तो दहाई तन कुछ नहीं है, नौ, ठीक है। आ हासिल एक जोड़ देंगे तो नौ एक दस, यानी संतानवे में तीन जैसा ये जोड़िएगा तो आपको कितना जाएगा? एक सौ आ जाएगा, ठीक है। यानी किस ऑप्शन में सौ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में सौ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूले। और रुक जाइए, अभी ये ना सोचिए कि ये वीडियो समाप्त हो गया है। इस यहाँ पर देखिए हम कोई भी नवोदय का पूछा हुआ प्रश्न उठाते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि जो पूछ दिया वो तो बन ही जाए, और इससे क्या क्या संभावना और बन सकता है प्रश्न होने की, उसको भी इसमें हमने देखने का काम करते हैं उस प्रश्न में। इसलिए ध्यान से सुनने का काम कीजिए कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए यही डायरेक्ट कह सकता था, क्या कह सकता था बउआ? कह सकता था कि सबसे छोटी आभास संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या, तखनी हो जाता सबसे छोटी आभास संख्या दो तथा सबसे बड़ी दो अंकों की आभास संख्या क्या? संतानवे। आ जोड़ते तो उसका आंसर क्या होता? जोड़ने के बाद 99 हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये कहा था छोटी बताओ लेकिन विषम बताओ, तो छोटी में विषम यह है, समझ गए। और क्या पूछ सकता है? कह सकता था कि ऐसा विषम संख्या, ऐसा अभाज्य संख्या बताओ। देखिए अभी जितना एग्जाम्पल हमने लिखा है कौन संख्या है बउआ? ये सब अभाज्य संख्या। कौन संख्या है बउआ? अभाज्य संख्या। कहाँ से कहाँ तक के बीच है? तो एक से लेकर सौ तक के बीच में यही 2500 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो अगर ये कह देता कि ऐसा अभाज्य संख्या बताओ जो सम के साथ साथ अभाज हो, तो इस संसार में सम संख्या तो बहुत है। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कटता है, जैसे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस, ये सब क्या है? सम संख्या है। तो इस संसार में केवल एक गो सम संख्या है, कौन? दो, जो सम संख्या है और अभाज भी है, बाकी जितने सम संख्या वो अभाज नहीं कहलाते हैं। तो कहता है संसार में कौन सा ऐसा संख्या जो सम के साथ साथ अभाज्य है? तो क्या आंसर है बताते? दो। और कहता कई गो ऐसा संख्या जो सम के साथ साथ अभाज्य है? तो केवल एक, केवल एगो, ठीक है। अगर हमको कह देगा एक से लेकर दस तक में कई गो अभाज्य संख्या है, तो देखिए एक से लेकर दस तक में एक दो तीन चार, चार गो अभाज्य संख्या। अगर हमको कह देता है चारों का योगफल बताओ, तो चारों अभाज्य संख्या को लिखते और जोड़ लेते। कहता एक से लेकर बीस तक में कुल कितना भाज्य संख्या है? तो देखो एक से लेकर बीस तक में यह ना है, कई गो है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, आठ गो, आठ भाज्य संख्या है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि एक से लेकर सौ तक में कुल कितना भाज्य संख्या होते? तो एक से लेकर सौ तक में लिखने जाएंगे तो अभी आपके सामने हमने पीछे काउंट किया था कि कई गो होता है? पच्चीस गो। कई गो होता है? पच्चीस गो भाज्य संख्या होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कम से कम 100 तक के अभाज्य संख्या, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक नवोदय वाला पूछता था कि सब एक अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो एक हो जाता है, आ कहता दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो होता 99, आ जोड़ लेते तो 100 होता।
कभी कभी कहता दो अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या तो 10 होता, और दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 97 ना, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 99। लेकिन ये बड़ी से बड़ी कहा, लेकिन छोटवा अभाज्य लगा दिया है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी बताओ, लेकिन कौन संख्या अभाज्य संख्या, तखनी 99 ना लिख दीजिएगा, अभाज्य लगा दिए थे, अभाज्य में सबसे बड़का दो अंकों में कौन है 97, इसलिए हमने 97 लिया। तो वहाँ ध्यान से बनाइएगा कि दो अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, कि दो अंकों के बड़ी से बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है, कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या पूछ रहा है, कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, आंसर बदल जाएगा सब में। सम का मतलब यानी आपको पता होना चाहिए सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, समझ रहे, ये सब बता चुके हैं वीडियो में। यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के अंदर जाइए, काफ़ी डिटेल से समझाएगा, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो आप समझ गए होंगे, कहा था कि वह सबसे छोटी से छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, जिस योगफल क्या होगा उसका निकालने पर। तो हम क्या किए थे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या लिख दिए तो 3, और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है तो 97, और योगफल कहा था दोनों को जोड़ने के लिए कहा था, तो हम दोनों को जोड़ लिए थे, क्या हो गया 100 आ गया। तो इसका योगफल कितना आ गया रे बउआ, दोनों को जोड़ लिए तो 100, ठीक है। चलिए सी आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद।